इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक का जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है HDFC बैंक रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम। कैसा है ये कोर्स, किसको ज्वाइन करना चाहिए, आपको हम रिव्यू करेंगे किसके लिए बेस्ट हो सकता है। इसका हमने डिटेल वीडियो बना करके अपलोड किया, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बट ये वीडियो है आपको टोटली रिव्यू, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसके लिए कोर्स अच्छा हो सकता है। सो आपको पोस्ट मिलती है रिलेशनशिप मैनेजर की, सैलरी ऑफर कर रहे हैं 4 लाख से 6 लाख रुपीज़, एश्योर्ड जॉब है, 100% जॉब मिलेगी। कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ पर कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम है, अगर किसी बंदे को 1 महीने में जॉब चाहिए तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग है, फी है कोर्स के 65,000 रुपीज़। CTC आपको अच्छा खासा ऑफर कर रहे हैं 4 लाख से 6 लाख रुपीज़। आपको डेजिग्नेशन है रिलेशनशिप मैनेजर का। सो किनके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल है, बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। वर्किंग पोटेंशियल क्या है, HDFC बैंक के बारे में हर कोई जानता है, अच्छा पोस्ट दे रहे हैं, अच्छी सैलरी पैकेज दे रहे हैं। एंड यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं विद 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है, आपको एक्सपीरियंस है 1 ईयर का सेल्स डिपार्टमेंट में, लेट इट बी एनी सेल्स, आप ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए यह कोर्स नहीं है, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड है सेल्स डिपार्टमेंट में, अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सेल्स एक ऐसा प्रोफाइल है, अगर आप एज अ ग्रेजुएट कहीं ज्वाइन किए हैं, लेट इट बी एनी बैंक्स, तो आपको 15,000 16,000, किसी को एज अ सेल्स ऑफिसर सैलरी मिलती है 12,000 की छोटी कंपनीज में। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो आप वो एक्सपीरियंस को यहाँ पर यूटिलाइज़ करके एक अच्छी खासी बैंक में अच्छे पोस्ट पर हाई सैलरी पैकेज पा सकते हैं। लाइक ये कोर्स आपको 1 मंथ की है, कोर्स की फीस 65,000 रुपीज़ है, ऑलमोस्ट हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एंड आपको यहाँ पर सैलरी जो ऑफर होगा वो आपको मिनिमम 4 लाख रुपीज़ है और अप टू 6 लाख रुपीज़ आपको सैलरी ऑफर हो सकता है। तो अगर करेंटली आप किसी कंपनी में ज्वाइन काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं कम सैलरी पैकेज पे 12,000 15,000 20,000, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने सैलरी में हाइक पाने की। इस कोर्स को करने के बाद आपको सैलरी हाइक मिल जाएगी, अच्छा पोस्ट भी मिल जाएगा। इस कोर्स को आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए बेस्ट है, आप इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी सैलरी और पोस्ट बढ़ाने के लिए, राइट। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देन आपकी ऑनलाइन टेस्ट होगी। आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चेकआउट कीजिए इस PDF को, इस PDF में सैम्पल क्वेश्चन है, आंसर भी है, आपको सिलेबस भी मेंशन है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड ये PDF हर बैंकिंग प्रोग्राम के लिए बेनिफिशियल है, चेकआउट कीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब उस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, देन आपकी इंटरव्यू होती है बाई NIIT एंड HDFC बैंक। आपको और इंटरव्यू प्रिपरेशन का चेकआउट दिस PDF, इस PDF में टॉप 50 HR इंटरव्यू क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 3 से 4 सैम्पल आंसर है, जो भी आंसर आपको सुटेबल लगे उसको पढ़िए, इंटरव्यू में बोलिए, आपकी इंटरव्यू जरूर क्लियर होगी। चेकआउट कीजिए, PDF की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एग्जाम एंड इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, देन आप कोर्स की फी को पे करके ऑनलाइन ट्रेनिंग पा करके आप HDFC बैंक ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द पोस्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर। सो फ्रेंड, ये था आप कोर्स का रिव्यू। जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है कम सैलरी पर काम कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अच्छी खासी सैलरी में और पोस्ट में हाइक पाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।